दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में रामायण की एक रोचक कहानी पर बात करेंगे और आज की यह रोचक कहानी जुड़ी है भगवान शिव के उस विशाल धनुष से जिसे भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि जब भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों को मारने गए थे, तब वह महर्षि विश्वामित्र के साथ घूमते हुए राजा जनक के राज्य में भी पहुंच गए थे। भगवान शिव का वह विशाल धनुष राजा जनक के यहाँ ही रखा था और राजा जनक ने यह घोषणा की थी कि जो भगवान शिव के उस विशाल धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ वह अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। परंतु इस पृथ्वी का कोई भी राजा भगवान शिव के उस विशाल धनुष को उठा तक नहीं पाया था, परंतु भगवान श्री राम ने जब उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया तो भगवान शिव का वह विशाल धनुष टूट गया था और राजा जनक ने अपनी पुत्री देवी सीता का विवाह भगवान श्री राम जी के साथ करा दिया था। दोस्तों, भगवान शिव का वह विशाल धनुष राजा जनक के यहाँ कैसे आया था, शिव जी के उस विशाल धनुष को किसने बनाया था और उस धनुष का क्या नाम था, चलिए जानते हैं अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक बार दो बड़े ही दिव्य धनुषों का निर्माण किया था जिनके नाम थे सारंग और पिनाक। यह दोनों धनुष भगवान विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की उन्हीं हड्डियों से बनाए थे जिससे उन्होंने देवराज इंद्र का वज्र बनाया था और इन्हीं महर्षि दधीचि की हड्डियों से ही अर्जुन के गांडीव धनुष का भी निर्माण किया था। दोस्तों, यह दोनों धनुष बड़े ही दिव्य तथा श्रेष्ठ थे। इन दोनों दिव्य धनुषों सारंग और पिनाक को तीनों लोकों में समान दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए इसमें से एक धनुष जिसका नाम सारंग था वह भगवान विष्णु को दे दिया गया था तथा दूसरा पिनाक नामक धनुष भगवान शिव को दे दिया गया था। दोस्तों, एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न कर दिया कि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु में कौन बलशाली है। तब देवताओं की इच्छा समझकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और भगवान शिव में विरोध उत्पन्न कर दिया। विरोध उत्पन्न हो जाने पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध को भगवान विष्णु ने अपने सारंग नाम के धनुष से तथा भगवान शिव ने अपने पिनाक नामक धनुष से भी लड़ा था। उन दोनों के घनघोर युद्ध से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। तब सभी देवताओं तथा महर्षियों ने दोनों से शांति के लिए याचना की थी। जब दोनों का युद्ध रुका तो अंत समय में भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पिनाक धनुष को शिथिल कर दिया था। इस कारण देवताओं ने भगवान विष्णु को भगवान शिव से श्रेष्ठ मान लिया था। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपना वह पिनाक नामक धनुष राजा जनक के एक पूर्वज राजश्री देवरात के हाथों में सौंप दिया था जिसे भगवान श्री राम ने तोड़ दिया था। और उसी समय भगवान विष्णु ने भी अपने उस वैष्णव धनुष सारंग का त्याग कर दिया था और उसे भगवान परशुराम के पितामह ऋचिक मुनि को दे दिया था। दोस्तों, इसी कारण शिव जी के पिनाक धनुष के टूट जाने पर भगवान परशुराम यह देखने आए थे कि आखिर उस दिव्य धनुष को तोड़ा किसने है और साथ ही अपने पास रखा भगवान विष्णु का सारंग नामक धनुष भी लेकर आए थे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि यदि तुम शिव जी के पिनाक धनुष को तोड़ सकते हो तो भगवान विष्णु के इस सारंग नामक धनुष पर भी प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो। और जब भगवान श्री राम ने उस सारंग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो भगवान परशुराम समझ गए थे कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु ही है, इसलिए वह उस सारंग धनुष को भगवान श्री राम को देकर चले गए थे। दोस्तों, त्रेता युग के बाद द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी सारंग धनुष से राजा शल्म और नरकासुर के साथ युद्ध किया था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।